लगातार एम सी डी इलैक्शन के उत्ते नज़र बनी हुई है। सवेर तो ही कवरेज दिखा रहे हैं डीफाई चैनल पंजाबी दे राही एक मामला जिहड़ा है वो सामने आया है कि बीजेपी के नेता जिहड़ा राजन तिवारी उन्हां वल्लों बदतमीजी की गई है एक लेडीज़ के नाल। जोसना वर्मा डॉक्टर ने वोट पाउण आए सीगे, इन्हां दी वोटिंग जिहड़ी है वो कट्टी हुई है, लेकिन जिस तरीके नाल इन्हां दे नाल बदतमीजी हुई है आओ एक बार देखते हैं कि इन्हां दे नाल किस तरीके की जिहड़ी है धक्काशाही हुई है इत्थे राजेंद्र नगर दे विच। ये गलत बात हो रही है मेरे साथ, बहुत कल रात को मेरी गाड़ी डैमेज करी, मैंने सुबह 7 बजे आपको मैसेज किया, प्लीज लुक एट योर फोन। मैं एक हफ्ते से आपको मैसेज कर रही हूं कि आपने मुझे बात करी है, मेरे से बात करी है, रेडी होने का फायदा मत उठाइए, रेडी होने का फायदा मत उठाइए, बदतमीजी मत करो, रेडी होने का मत करो, जल्दी आपने कर जाइए। एक मिनट हो चुकी है हमारे साथ बदतमीजी, मैडम अपनी कर जाइए, यही खड़ी रहूंगी और मिस चांस की वीडियो मैं वायरल करूंगी जिनको टिकट दी गई है। मैडम यहां आप सो तुसी वीडियो देखी है कि जो वोटिंग कट्टी गई है उस तो बाद जो जेडे नेता पहुंचे सीगे उत्थे, मैम बात करेंगे ना हम इनसे, मैडम क्या बात हुई है यहाँ पे, मैडम इधर देखिए जरा, नहीं मैडम बात करेंगे ना हम इनसे, आप क्यों रोक रही हैं, आप क्यों रोक रही हैं। तुसी देखिया कि जिस तरीके नाल इत्थे कंट्रोवर्सी हो रही है, पहला बदतमीजी करन तो बाद हुण जिहड़ा उन्हां नूं समझाया जा रहा, पहले लेडीज़ दे नाल बीजेपी दे नेता वल्लों बदतमीजी की गई, उंगलां दिखा के गल की गई, उन्हूं धमकी दी गई कि एक मिनट लगेगा तैनूं इत्थों चकाण वास्ते, लेकिन उस तो बाद जिहड़ा डर तो बाद मीडिया दे डर तो बाद हुण उस लेडीज़ नूं जिहड़ा मनाण दी कोशिश की जा रही है, पहला उस दे नाल काफ़ी बदतमीजी की गई, उसनूं पुलिस दी धमकी दी गई कि तैनूं एक मिनट च इत्थों चका दिता जाएगा, तो उस तो बाद जिहड़ा है जदों मीडिया दा घराव हो गया तो बीजेपी दा नेता शांत होकर बाहर आ गया, तो उस तो बाद उसने हुण उस लेडीज़ नूं जिहड़ा वो मनाना शुरू कर दिता है, लेकिन किस तरीके जिहड़ी धक्काशाही हो रही है, जो बदमाशी इत्थे हो रही सी, पहला इसे जगह दे उत्ते खड़े सीगे, इसे जगह दे उत्ते पुलिस भी खड़ी सीगी, पुलिस दे सामने ही बीजेपी दा नेता जिहड़ा उस लेडीज़ नूं धमकी दे रहा सीगा, लेकिन मीडिया दा प्रभाव देखते ही हुण बाहर चला गया, तो उस लेडीज़ नूं जिहड़ा मनाण दी कोशिश की जा रही है। तुसीं देख सकते हो तस्वीरां दे विच भी कि किस तरीके की बदतमीजी जिहड़ी है उस लेडीज़ दे नाल हुई है, उसकी वोट कट्टी गई है, वो अपनी आवाज़ उठा रही सी। मेरा नाम डॉक्टर ज्योत्सना वर्मा है जी, मैं बहुत टाइम से इन लोगों से मतलब यहाँ पे हम वोट डालने आए हैं और यहाँ पे हमारा पता चला है कि हमारा वोट डिलीट हो गया है। हमने पूछा किसके कहने पे आपने डिलीट किया, हम सारा दिन यही होते हैं, तो बोल रहे हैं कि आपके नीचे वालों ने हमें बताया कि आप यहाँ नहीं रहते। वो नीचे वाले जो खुद 5 साल पहले मकान बेच के जा चुके हैं, जिनका बेटा ऑस्ट्रेलिया में रहता है, उसके कहने पर हमारा वोट डिलीट कर दिया गया है। तो मैडम जो राजन तिवारी हैं वो बदतमीजी कर रहे थे आपके साथ, आपके सामने ही है सर, आपने खुद ही देखा, वो उंगली खुद दिखा रहे थे और मुझे बोल रहे थे कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैंने क्या किया इसमें, मैं सुबह 7 o'clock भी उनको मैसेज किया, कल रात को भी इन लोगों ने हमारी गाड़ी डैमेज करी, इनको पता था कि हमारी इनसे प्रॉब्लम इन राजन भैया से नहीं चल रही है, लेकिन निश्चल जो हैं जिनके जिस लड़की को वो टिकट दिया गया है उसके फादर इन लॉ जो हैं उन्होंने हमारे साथ बहुत बदतमीजी करी है। वो वीडियो भी आपको हम भेजेंगे, वो वायरल कीजिएगा आप कि कैसे 11 लोगों ने इनके फैमिली के हमें घेर कर मेरी बहुत बदतमीजी करी है मेरे साथ और कोई एक्शन नहीं हुआ उनके ऊपर, जिससे रिलेटेड मैं अभी कोर्ट में भी केस चल रहा है और मैं आगे सीबी सर के ऑफिस तक मिल के आई हूँ, विजिलेंस मैं मिल के आई हूँ, बट इन पर केस नहीं दर्ज किया गया है इन 11 लड़कों पर जो इन्होंने जो निश्चल फैमिली के हैं। अभी जो अंदर के अधिकारियों को क्या कहना है आपकी बात, अंदर के अधिकारी यही बोल रहे हैं कि आपके नीचे वालों के कहने पर वोट हमने कैंसिल किया है आपका, और जो कि वो खुद यहाँ 5 साल से नहीं रहते हैं। तो अब ये जो बदतमीजी हुई है इसके बारे में कार्रवाई करवाएंगे? बिल्कुल करनी चाहिए सर, जो भी है करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हद हो चुकी है, बिल्कुल मैं सारी कंप्लेंट दूंगी। जिस तरह से पुलिस नज़दीक खड़ी हुई थी और जिस तरह से वो बात, ये आप देखिए, मैं ज़रूर दूंगी कंप्लेंट, ये शुरू से बदमाशी कर रहे हैं और करते जा रहे हैं, ये बाजी नहीं आ रहे हैं। राजन तिवारी जेड़े ने बीजेपी दे ओ उन्हां दे नाल बदतमीजी करके गए, उन्होंने कहे ने कि तुसी बीजेपी दे खिलाफ बकवास कर रहे हो, एक मिनट लगेगा तैनूं इत्थे चकमान दो, और सारी वीडियो जेड़ी है तुसी लगातार देख रहे सी डीफाई चैनल पंजाबी ते, लगातार बने रहो, असी पल पल दी अपडेट जेड़ी है लगातार तुहाडे नाल सांझी करदे रहांगे। कैमरा परसन रविंदर सिंह दे नाल दविंदर सिंह, डीफाई चैनल पंजाबी, दिल्ली। होएगी किसानां दी गल, नवीं खेती मशीनां, बीजां ते बागां दी गल लेके चलांगे तुहानू रंगले पंजाब दे खेतां वल। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम फार्मिंग विद अमरजीत वड़ैच, सोमवार तो शुक्रवार सवेरे 7:30 बजे D5 चैनल पंजाबी ते। की हुंदी है जमाबंदी, किवें बनदी है वसीयत, जमीन जायदाद दे हर मसले ते करांगे चर्चा। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम नायब तहसीलदार .com D5 चैनल पंजाबी, हुणे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो।